सात दिन गुजर जाने के बाद भी मुख्य आरोपी खुली हवा में सांस ले रहा है। पुलिस अभी तक उस तक नहीं पहुंच पाई है। मुख्य आरोपी शिव कुमार झा की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है, लेकिन अभी भी वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। दरभंगा में 10 फरवरी को नगर थाना क्षेत्र के जीएम रोड में एक ही परिवार के 3 लोगों को जिंदा जला दिया गया और घर को जबरन जेसीबी से तोड़ दिया गया। खबर है कि मुख्य आरोपी शिव कुमार झा मधुबनी जिले में नेपाल सीमा पर छिपा हुआ है। दरभंगा पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए एक एसआईटी का गठन किया है और जिसे दरभंगा सदर एसडीपीओ कृष्ण नंदन कुमार लीड कर रहे हैं। इस आगजनी में गंभीर रूप से झुलसे संजय झा और उनकी गर्भवती बहन पिंकी की मौत मंगलवार को पटना के पीएमसीएच में हो गई। इससे पहले पिंकी के गर्भ में पल रहा बच्चे की भी मौत हो चुकी थी। नामजद मुख्य अभियुक्त हैं जो श्री प्रकाश झा हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोगों की टीम निरंतर जो है जहां उनका लोकेशन मिल रहा है मधुबनी और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में, उधर कैंप भी कर रही है। और जो अन्य अज्ञात लोग थे उनमें से कुछ को भी चिन्हित किया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं। और फिर मुख्य जो अभियुक्त हैं जो एक नामजद हैं उनके लिए हम लोग कोर्ट से भी वारंट ऑफ कुर्की अविलंब लेके जो विधिवत कार्रवाई होती है उसको ही पूरा करेंगे। इस मुद्दे पर बिहार में अब कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष ने बिहार में माफिया राज का आरोप लगाया है तो जेडीयू ने क्राइम पर नो कॉम्प्रोमाइज की बात कही है। नीतीश सरकार पूरी तरह से माफिया राज के चंगुल में है। बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, भू माफिया हो, ये महाजंगल राज है बिहार में। पूरी तरह से माफिया राज कायम हो गया है। सुशासन का दावा करने वाले लोग को जवाब देना चाहिए। इस मामले पर भी लिपापोती होगी और सरकार भू माफियाओं को बचाएगी। कोई नहीं बख्शा जाएगा। वो अधिकारी जो अपराधियों को बचाने में लगे हों या इसमें शिथिलता बरत रहे हों या फिर वो अपराधी जो ऐसा अपराध करने का दुस्साहस किए हों, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कानून का राज है, कानून अपना काम करता है। किसी भी को भी राजनीतिक संरक्षण देने का काम यहाँ नहीं किया जाता है। दरभंगा की घटना बिहार में कानून और व्यवस्था की असलियत बयान करती है। आज के दिन में बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद और पुलिस और प्रशासन के हौसले पस्त हैं, क्योंकि सरकार के कुछ सनकी निर्णयों के कारण पूरा का पूरा पुलिस महकमा और पूरा का पूरा प्रशासन अपराधियों को नहीं शराब की खाली बोतलें ढूंढने में लगा हुआ है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार की क्राइम के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति रही है। जहां कहीं भी घटनाएं घटती हैं त्वरित कार्रवाई की जाती है। दरभंगा से भी इस तरह का मामला सामने आ रहा है। जो भी दोषी व्यक्ति है वो बख्शा नहीं जाएगा। स्थानीय प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। FIR की गई है, SIT गठित की गई है, SSP ने टीम भी बनाई है और लगातार छापेमारी भी चल रही है। जो दोषी व्यक्ति होगा किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और इस वक्त दरभंगा से जी मीडिया संवाददाता मुकेश हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। मुकेश, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा, प्रशासन उचित कार्रवाई कर रहा है, लेकिन सवाल यही उठते हैं कि इस पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस के पास शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने मदद नहीं की। अभी वर्तमान स्थिति क्या है? इस पिछले एक हफ्ते में जब से घटना हुई है पुलिस कितने कदम आगे बढ़ पाई है इस जांच में? जी, मैं आपको बता दूं कि घटना के संबंध में सबसे दुखद बात यह है कि एक गर्भवती माँ के पेट में पल रहा शिशु के साथ माँ और भाई दोनों की मौत के बाद उस घर में जो निक्की है बहन उनके पैर की स्थिति बहुत ही नाजुक है। यूं कहे कि अब उनकी भी स्थिति धीरे धीरे, उनका पूरा पैर नीचे का जला हुआ है, उनकी भी स्थिति खराब होती जा रही है और उन घर का जो माहौल है बहुत गमगीन है। सबसे बड़ी बात है कि घर में एक इकलौता संजय था तो घर के खर्च जो होते थे वो उठाता था, परिवार का पालन पोषण करता था। ऐसी स्थिति में संजय के मौत के बाद पूरा घर टूट चुका है। वृद्ध माँ 80 साल की है, वो परेशान है। 7 साल की छोटी बच्ची अपनी माँ को खोज रही है। दूसरी तरफ छात्र संगठन है क्योंकि दरभंगा में आयशा ने बंद बुलाया था जाप और साथ साथ जो हम पार्टी है जो सत्ता दल में है वो सबों ने मिलकर दरभंगा को बंद किया। बंद कर दौरान कई तरह के उन लोगों ने आरोप लगाए हैं पुलिस प्रशासन को। उनका साफ कहना है कि दरभंगा जिला के नगर थाना के साथ साथ SSP पर उन लोगों का आरोप है
कि इसमें उनकी भी संलिप्तता है। इन सब की सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्य आरोपी कहाँ है। बिल्कुल मुकेश, पुलिस क्या कह रही है? मुकेश पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है कि उनकी जांच कहां तक बढ़ पाई है? जी मैं आपको बता दूं कि उन्होंने 13 लोगों को चिन्हित करके 8 लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोप की शिव कुमार झा की बात करें तो उनका जो कहना है कि वो अभी नेपाल की तरफ भागा हुआ है और हम लोग उसकी खोजबीन में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उसको नेपाल अगर शिव कुमार झा चला गया है तो कई ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से गिरफ्त में आ सकता है। यूं कहें कि उनके परिवार के लोगों पर दबाव बनाया जा सकता है। बिल्कुल बड़ा सवाल यही है मुकेश, वही मेरा वही सवाल अगला भी था कि चूंकि इतना बड़ा जघन्य अपराध अंजाम दिया गया है तो क्या पुलिस ने परिवार पर या उसके घर पर दबिश नहीं दी? जी निश्चित रूप से, मान लीजिए दरभंगा में के जो का तो उनका निवास स्थान है वो घटनास्थल से मात्र 300 मीटर पर है जहाँ तालाबंदी है, लेकिन उनका जो मूल निवास है वो मधुबनी के लदनिया में है जहाँ उनका भरा पूरा परिवार है। साथ ही साथ उनके बारे में मैं आपको बता दूं अभिषेक कि वो एक बहुत बड़े कंट्रेक्टर है। उनका उनकी जो जिस जेसीबी की बात आप कर रहे हैं वो जेसीबी जिस मकान को तोड़ने गया था इन लोग जो भू माफिया, वो जेसीबी उन्हीं की बताई जा रही है। बिल्कुल, यानी कहने का मतलब कि वो दबंग है और इसका पूरा फायदा वो शख्स वो परिवार उठा रहा है। पुलिस की कार्रवाई बहुत शिथिल तरीके से चल रही है, ये अपने आप में सवालों के घेरे में। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश। तो 3 लोगों को जिंदा जलाकर मार डाला गया है और इसके विरोध में विपक्ष ने दरभंगा बंद बुलाया। बंद को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी समर्थन दिया। वामपंथी दलों और विपक्ष का दरभंगा बंद असरदार दिखा। बंद समर्थकों ने कई इलाकों में सड़क जाम कर दिया और धरने पर बैठ गए। इसके चलते आवागमन बाधित रहा। प्रदर्शनकारी हथियारों को गिरफ्तार कर उन्हें फांसी देने और दोषी पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। एक परिवार के 3 लोगों की हत्या की गई है, उनके घर पे जबरन बुलडोजर चलाया गया है जिसमें 3 लोगों की हत्या हुई है, उसको लेकर के आज पूरे दरभंगा बंद है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, नीतीश सरकार से मांग करता हूँ जो अविलंब दोषियों को फांसी हो, दरभंगा एसएसपी की बर्खास्ती हो। शर्मनाक घटना है, उस घटना की न्यायिक जांच की मांग को लेकर के पीड़ित परिवार को पूर्ण सुरक्षा व न्याय देने की मांग को लेकर के, दरभंगा को अपराध मुक्त बनाने की मांग को लेकर के आज वामपंथी दलों ने दरभंगा बंद का आह्वान किया है। भूमाफिया का कहर इतना बरप रहा है कि देर शाम ही 3 लोगों को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया जमीन हड़पने की नीयत से, और कल 3 लोगों की मौत पटना में हो गई।